राम सिंह चोलिया उहदे भतीजे तो फड़ी गई है 1500 करोड़ की हीरोइन। ढड्डियां वाले ने जवाब दिते ने पर सुन के साफ पता लगता भी किड्डियां बेदुखियां गल्लां कीतियां। ये कहिंदा भी उहदा भतीजा है उहदा पुत्तर थोड़ा उहदे भतीजे की तां गल तू कर ली पर यह तो तू दस्या ही नहीं भी उहदा मुंडा भी कनेडा च ड्रग के केस च फड़िया होया है। जे दूर जाना उहदे लई वक्री गड्डी, जे डेरे के अंदर अंदर घूमना तो उहदे लई वक्री गड्डी। ये तो तेरिया फिर अयाशियां ने ना, अयाशियां वाली दसवंध जिहड़ा उहदे इहदा मतलब जे राम सोहरी वो बंबे की बंदरगाह तो भी गेड़े लाते सी तो एक अद्धा गेड़ा तेरा भी होंदा होगा विचों भी जिन्हें बलैकीए ने नशेड़ी ने उन्होंने कमाई तो पाप के पैसे तो पल दें तो घट्टो घट इन्हों का कह सकता सी ना भी राम सिंह का परिवार किड्डा घटिया भी किहो जी अयाशी की जिंदगी अशप्रस्ती की बतीत करदा तो करदा भी काहदे सिर ते नशियां दे व्यापार दे सिर ते। सो ये तेरा असली चेहरा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक मसला बड़ा चलन दिया कल परसों का भी जेड़े बाबा रणजीत सिंह ढड्डियांवाले हुण समझ नहीं आती बाबा आखा भाई आखा जां भरजाई आखा की आखा तो उन्हां दे नज़दीकी साथी गनमैन ही आप कह सकते नज़दीकी साथी पहला तो पुराना साथी राम सिंह चोलिया उहदे भतीजे तो फड़ी गई है 1500 करोड़ की हीरोइन। तो हुण जाहर जी गल है भी जिथे बहनी खलोनी होवे किसी की वह भी थोड़ी बहुत ही नहीं बहुत ज़्यादा तो सवाल तो उठणगे ना भी तुहाडा विच की हिस्सा इहो जिहे बंदे तुसीं नाल रखे ने। तां सरदार विरसा सिंह वलटोआ ने कोई सवाल चुके सी उहदे ते ढड्डियां वाले ने जवाब दिते ने पर सुन के साफ पता लगता भी किड्डियां बेदुखियां गल्लां कीतियां। पहली गल ये कहिंदा भी उहदा भतीजा है उहदा पुत्तर थोड़ा उहदे भतीजे की तां गल तू कर ली पर यह तो तू दस्या ही नहीं भी उहदा मुंडा भी कनेडा च ड्रग के केस च फड़िया होया है। फिर एक गल उहने होर बड़ी हासोहीणी जी की कहिंदा साडे खर्चे एवें नहीं चलते जिहड़े परमेश्वर द्वार दे नाल जुड़े हुए लोग ने कहिंदा जे उह 20 गेड़े लाउंदे ने ना ते एक दो गेड़े मेरे लिए कढ़दे ने परमेश्वर द्वार दे प्रबंध लई। पहली गल तां जिहड़ा दसवंध हुंदा है उह हुंदा गुरु घर दे प्रबंध लई लंगरां लई उह इह थोड़ा हुंदा भी जे दूर जाना उहदे लई वक्री गड्डी जे डेरे दे अंदर अंदर घूमना ते उहदे लई वक्री गड्डी। इह तां तेरियां फिर अयाशियां ने ना ते अयाशियां वाली दसवंध जिहड़ा दिंदा कोई। दूजी गल तू कही भी वह 20 गेड़े लाते ने ते एक दो गेड़े मेरे लिए रखते हैं यदा मतलब जे राम सोहरी वो बंबे की बंदरगाह तो 20 गेड़े लाते सी तो एक अद्धा गेड़ा तेरा भी होंदा होगा विचों मतलब जिहड़ी हुण 1500 करोड़ की फड़ी गई है जे 10 कु गेड़े लग जाते तो 1500 करोड़ का एक अद्धा गेड़ा फिर तेरे लेखे लग जाना सी फिर दसवंध तो इदा ही बनना भी जिन्हें बलैकीए ने नशेड़ी ने उन्होंने कमाई तो पाप के पैसे तो पल दें तू। तो एक गल होर बड़ी तू वार वार करता रहा भी ये जी जिहड़े साध ने भीमा खांदे ने पुक्की खांदे ने इन्हां दे गले बैठे रहिंदे ने ते इन्हां दे डोप टैस्ट होने चाहिए ने ते बड़ी किल किल के स्टेजा तो यह गल कहिंदा रहा तू पर अज अपने साथी की वारी आई चलो एक मिनट लई मन भी लईए भी तेरा विच कोई हथ नहीं तेरा उन्हां नाल कोई हद नहीं मन लईए वैसे मनिया तो नहीं जाता जे कुछ समय लई मन लईए
भी तेरा कोई हद नहीं उन्होंने ता भी एड्डी माड़ी गल की एक मिनटली निंदा नहीं कर सकिया तू तू एक कारी भी नहीं आख्या भी सिखी सरूप दे विच किहो जे घटिया लोग ने जिहड़े एडे एडे दाड़े रख के बाने पा के अमृत छक के ते एडा भैड़ा नशा वेच रहे ने जिहदे नाल एक नहीं दो नहीं लखां मावां दे पुत मरे गए। घट्टो घट इन्हां दा कह सकदा सी ना भी राम सिंह दा परिवार किड्डा घटिया जिहड़ा इहो जिहा काला कारोबार करदा पर कहना क्यों सी उहदा तेरा अपना साथी है कहिंदे हुंदे ना अपनियां कछ च ते किसे दियां हथ च जदों अपने ते गल आई ते तेरा बोलन दा लहजा ही बदल गया इहो किसे होर ते हुंदी तूं चीक झाड़ा पा देना सी ते जिन्हां नाल तेरियां होर भी यारियां ना जिहड़े कनेडा च जिन्हां कोल जा जा रुकदा तूं गेहरी पता ही नहीं किन्ने इहो जिहे लोक जिन्हां नाल तेरे यराने ने ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਲੈਕੀਏ ਨੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਸਡੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।